हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी होम फूड विद पूनम। तो आज हम बनाएंगे सेवई कस्टर्ड की ये रेसिपी, या फिर आप इसको सेवई फलूदा भी कह सकते हैं। तो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी आज हम बनाएंगे बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज ये सेवई कस्टर्ड की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पर, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून घी डाल लिया है, देसी घी। तो इसको मैं अच्छे से देखिए ऐसे पूरे कढ़ाई में फैला दिया है और ये गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैंने सेवई ले लिया है। तो ये मैंने बाज़ार का रेडीमेड सेवई लिया है, अगर आप चाहें तो इसको घर का हाथ का बना हुआ भी ले सकते हैं। इसको भून लेंगे अच्छे से, तो जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ना हो जाए, जब तक इसको अच्छे से भून लेना है हमें। तो देखिए इसका गोल्डन कलर आ गया है, जो सेवई है इसको हमने भून लिया है अच्छे से। तो इसको मैंने 2 मिनट तक भून लिया है अच्छे से कढ़ाई में। तो अब इसमें हम यहाँ पर दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, तो इसको मैंने उबला हुआ दूध है ये, और इसको हम डाल देंगे सेवई में। तो यहाँ पर मैं 500 ml दूध ले रही हूँ। तो ये दूध हमने डाल दिया है सेवई में और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस पर अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको हमने, और जब तक हमारे दूध में उबाल आ रहा है, यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड ले लिया है, वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है मैंने। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस दूध में हम इस कस्टर्ड को। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ये, इसको ऐसे मिलाते हुए अच्छे से मिक्स हो गया है ये जो हमारा कस्टर्ड है दूध में। तो ये कस्टर्ड रेडी है, और ये देखिए हमारा दूध में भी यहाँ पर बॉईल आ गया है, उबाल आ गया है। तो इसको अच्छे से हम ऐसे चला लेंगे, और जो हमने ये कस्टर्ड घोल के रखा था कटोरी में, तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे, कस्टर्ड को सेवई में और दूध में। तो ये देखिए कस्टर्ड को हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा सारा डाल दिया है, और इसको चलाते रहें ताकि लम्स ना पड़े। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे हम कस्टर्ड को, तो अच्छे से मिला लेंगे दूध में, ये देखिए, ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे इसमें। वैसे तो हमने घोल लिया था कटोरी में, अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको हम ढक देंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आ रहा है, तो अब हम इसको ढक कर पका लेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे खोल के। तो जब तक हम यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून चिया सीड्स ले लिए हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो इसको भी मैं इसमें डालूँगी, फलूदा बनाएंगे जब हम सेवई का। तो ये मैंने हल्का गुनगुना पानी डाल के 2 टीस्पून चिया सीड्स ले लिए हैं। तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्दी होते हैं इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हुए हैं अभी, तो इसको हम फिर से चला लेंगे ऐसे, ताकि जो हमारी सेवियाँ हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चीनी इसमें मैंने अभी नहीं डाली है, चीनी लास्ट में डालूंगी, क्योंकि चीनी डालने से जो सेवई है वो थोड़ा देर में पकती है। तो फिर से इसे मैंने ढक दिया है, फिर से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पका लेंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं अब यहाँ पर, और जो ये हमारी सेवियाँ है ये सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। तो दूध भी बहुत गाढ़ा हो गया है, ऐसे इसकी साइडें छुड़ाते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने सारा देखिए मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी लास्ट में ही डालें, तो यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो चीनी इसमें हमने डाल ली है, और इस मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो चीनी डालकर भी इसको हमें 2 मिनट तक पकाना है लगभग। तो 2 मिनट तक इसको देखिए मैंने पका लिया है। तो ये हमारा कस्टर्ड, सेवई कस्टर्ड रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो जब हम इसको सर्व करें तो ठंडा करके सर्व करें, पहले रूम टेम्परेचर पर, फिर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो देखिए ठंडा हो गया है हमारा सेवई कस्टर्ड। तो इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो लेकिन मैं इसको फ्रूट्स के साथ सर्व करूँगी, तो फ्रूट्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चिया सीड्स ले लिए थे भिगा के, पहले इसको मैंने भिगा लिया था, ये ले लूँगी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो मैं इसको इसमें डाल लूँगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ये चिया सीड्स डाल लिया है भिगा हुआ, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं दोनों ग्लासेस में मैं रूह अफ़ज़ा ले लूँगी। तो रूह अफ़ज़ा से भी अच्छा टेस्ट आता है कस्टर्ड में, फलूदा में। तो ये रूह अफ़ज़ा डाल लिया है मैंने इसमें, और फिर इसमें हम अपना ये सेवई कस्टर्ड डाल लेंगे।
तो ये देखिए मैंने 2 चम्मच डाल लिए हैं बड़े इसमें सेवई कस्टर्ड के, और दूसरे ग्लास में भी हम भर लेंगे ऐसे ही। तो ये देखिए हमने दूसरे ग्लास में भी डाल लिया है ये सेवई कस्टर्ड, और सेवई कस्टर्ड डाल के इसमें अब हम फ्रूट्स डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेब ले लिए हैं चॉप करके 1 टीस्पून, और दोनों ग्लासेस में डाल लिए हैं मैंने, और थोड़े से मैंने ये अंगूर ले लिए हैं चॉप करके, ये भी डाल लेंगे इसमें। तो बहुत हेल्दी बन जाता है ये फ्रूट्स ऐड करके। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने चॉप मैंगो को चॉप करके डाल लिया है 1-1 चम्मच, ये भी डाल लेंगे। और केला बनाना को मैंने भी इसको चॉप कर लिया है 1-1 टीस्पून, वो भी डाल देंगे इसमें हम। तो केले भी डाल दिए हैं इसमें, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कीवी डाल लिया है इसमें, दोनों ग्लासेस में डाल लेंगे। कीवी को चॉप करके ले लिया है, और थोड़े से यहाँ पर मैंने अनार के दाने इसमें डाल लिए हैं। तो 1 टेबलस्पून सेवई कस्टर्ड हम ऊपर से एक लेयर और डाल लेंगे फ्रूट्स के ऊपर से। तो ये हमने डाल लिया है दोनों ग्लासेस में, और ऊपर से हम ये पिस्ता मैंने रोस्ट करके चॉप करके ले लिया है इसके ऊपर डाल लेंगे। अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ऊपर से थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए हैं मैंने। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा सेवई फ्रूट कस्टर्ड। तो जब आप इसको सर्व करें जब ही इसमें फ्रूट्स मिलाएं, नहीं तो ये फ्रूट्स पानी छोड़ देगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा सेवई फ्रूट कस्टर्ड, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बना है ये। फ्रिज में रख कर ठंडा ठंडा सर्व करें इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय कीजिए बनाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।